जय हिंद दोस्तों तो ये आपके सामने रहा बिहार दरोगा बारह सौ पचहत्तर का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र अब प्रश्न पत्र कैसे आए हैं ये तो आयोग ही जाने जब आप क्वेश्चन पेपर दे ही नहीं रहे हैं तो प्रश्न पत्र बाहर कैसे आ जा रहे हैं कम से कम आयोग को बीपीएससी की तरह ओ हो या क्वेश्चन पेपर हो अपने वेबसाइट पर अपलोड करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के लिटिगेशन से बचा जा सके इससे क्या है कि आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है ना एकदम तार तार हो जा रही है ना ही कोई कटअप जारी करना है कटअप जारी करते हैं लेकिन किस आधार पर कोई तो आंसर की आप देते नहीं है वो जो है सो मोटो जो है आप जारी कर रहे हैं इसके लिए एक मास कैंपेन की जरूरत है चलिए कोई नहीं अभी इस वीडियो सेशन में हम जो सेकंड पाली में जो पी परीक्षा आयोजित हुई थी उसका हम आंसर की को देखेंगे सारे क्वेश्चंस को रीटाइप करवाया गया है ताकि जो है क्लैरिटी हो सके अच्छे से चलिए पहला प्रश्न पूछा गया है आ, थोड़ी एक बात और आ, जो भी बच्चे हम हमसे जुड़े हुए थे उन लोगों का एग्जाम कैसा गया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें उम्मीद है कि जो भी हमारा प्रैक्टिस सेट था आपके लिए काफ़ी ही सहायक होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं लेकिन वो क्या है मैंने कुछ कुछ प्रश्न जो आस पास है कुछ डायरेक्ट प्रश्न है तो यहाँ आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किए ही थे आप खुद देख सकते हैं चलिए देखते पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक ठोस आधार की त्रिज्या है? है, तो एल, एल प्लस आर हो जाएगा जब इसे आप सोल्व करेंगे जगह हम क्या लिख सकते? सकते हैं रूट अंडर एच स्क्र प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ठीक है और यहाँ पे बाहर तो आर था देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी ठीक है विकसित करने के लिए तैयार है इसका सही उत्तर नीरी अगला प्रश्न यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक गठन कब किया गया था बहुत ही इजी क्वेश्चन था अठारह सॉरी उन्नीस सौ ईस्वी में किया गया था पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था इसका सही उत्तर हो जाएगा अठारह में हुआ था विलय अब यहाँ देखिए इस बार जो है इंग्लिश और हिंदी को भी समाहित किया गया था अब हाँ पूछा गया है कि पैसिव में चेंज करना है हैव सीन इन द स्ट्रीट तो उल्फ को तो पहले ले आइए तो उल्फ हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय द पीपल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलिए दक्षिण अफ्रीका साथ लॉयड हैरिस के साथ मोरलका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूकी वांबरी लॉन टेनिस से है भारत में सबसे भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार है बायो रिजर्व जो है यहाँ पे भंडार पूछा गया है सबसे यहाँ पे उत्तरी में ठीक है सबसे उत्तर में आएंगे आप तो यहाँ पे पड़ता है कोल्ड डेजर्ट और उसके जस्ट नीचे जो है इसी लाइन में यहाँ पड़ता है नंदा देवी तो सबसे ऊपर पूछा गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल्ड डेजर्ट अगला प्रश्न है जनगणना दो ग्यारह के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है अपन बिहार ऑप्शन नंबर ए नव प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अगला प्रश्न पूछा गया था कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है विनिमय का मूल्य का मापन का या मूल्य का हस्तांतरण का इसका जो प्राथमिक कार्य जो है ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा यानी कि एक्सचेंज का और जो है मेजर का इसका सब कैटेगरी में जब जाएंगे फर्स्ट तो एक्सचेंज का है लेकिन जैसे ही सब कैटेगरी में आएगा तो इसका मेजर का भी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रचूरता वाला उत्पादन साधन है यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम लेबर जो होता है वो जो है एवेंडेंट फैक्टर होता है अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप देख सकते हैं क्लास नाइन्थ का जो इकोनॉमी का बुक है वहाँ पे जो है आप जाएंगे तो चैप्टर नंबर वन जो है उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ देखिए यहाँ पे क्या है कि थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थ्री फैक्टर है एक लैंड है लेबर है और कैपिटल है ठीक है अब इसमें क्या है द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड डेट लेबर इज द मोस्ट एम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन यानी लेबर जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोडक्शन के लिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा श्रम ठीक है इसे आप लोग देख लीजिएगा ग्यारह का हो जाएगा ठीक है बी लेबर हो गया अब आते हैं बारह नंबर प्रश्न दो सेक्टर अर्थव्यवस्था पर रूप की समृद्ध मांग यानी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है इसका बारह का इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा ठीक है अगला आते हैं यानी सी से सी प्लस आई में जाएंगे ना तो यहाँ पे क्या है? C होता है सी बराबर होता है कंज्यूमर गुड्स होता है और इन्वेस्टमेंट गुड्स होता है यही होता है एग्रीगेट डिमांड्स अगला प्रश्न है जो बात लोगों से सुनी हो वाक्यांश में यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है क्या होता है जन श्रुति हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था तो ब्रिनेई में हुआ था इनका जन्म अगला है प्राकृतिक संपदा के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कहाँ होता है एग्रीकल्चर में होता है और एग्रीकल्चर तो ए राज्य विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है पूछा गया था ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा चालीस होती है अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील भी कहा जाता है लोकटक झील इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है अठारह नंबर पूछा गया है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है यानी बिहार में भी सोना का खनिज है वो कहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का सी का जो है जमुई जिला में जो है आपको सोने की खदान मिल जाएगी वहां पे जो कुछ न कुछ मात्रा में है चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे तो यहाँ पे प्रस्तावक पूछा गया तो प्रस्तावक कौन थे जवाहरलाल नेहरू थे किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है ठीक है अभंग में संकलित है ये जो है तुकाराम का जब महाराष्ट्र का जो आप भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा तो बीस का हो जाएगा बी अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन मैकेनिज्म से बनता है तो कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन यानी तीन विधियों से बनता है उनमें से एक है जो कंडेंसेशन जो पॉलिमराइजेशन है तो इससे बनता है नाइलॉन जो है सिक्सिक्स नाइलॉन सिक्सिक्स जो है इससे बनता है तो इसका देखेंगे ऑप्शन में सिर्फ यहाँ ऑप्शन नंबर डी है नायलॉन हो जाएगा अगला है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप महिलाओ में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने युद्ध काल में कारखानों में कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया क्या हो गया था उस समय सारे पुरुष जो है युद्ध में चले गए थे जिसके कारण ये सारे जगह खाली पड़े थे तो वहां पे महिलाओं ने इसका टेक ओवर कर लिया था चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल पर अति सघन वन यानी डेंस फॉरेस्ट जो है कहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार किस यूटी में जो है मिनिमम जो है क्या बोलते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पांडीच सॉरी अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य का जो है संकल्पना है कितना बार यह पूछा गया होगा टेस्ट पेपर में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व छब्बीस में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन यहाँ पूछा गया छे सौ चालीस रुपया का छत यहाँ छह हजार चार सौ है रेट दिया हुआ परसेंट और है और टाइम जो इन दोनों के बीच में निकाल लीजिएगा ठीक है ग्यारह जुलाई से लेकर सॉरी ग्यारह फरवरी से लेकर सात जुलाई जो भी निकालिएगा तीन सौ पैंसठ से डिवाइड कर दीजिएगा और उसके बाद जो इसका एस आई निकालेंगे एस आई जब निकालेंगे तो आएगा एक सौ तिरपन दशमलव छ के आसपास में चलिए अब अगला प्रश्न है अवसर तो की समानता समानता से संबंधित जो अनुच्छेद अनुच्छेद उन्नीस सौ यानी सोलह जो है देती है 28 का चलिए अब फ्रांस के शासक लुइस उलावा किस राजवंश से संबंधित था इसका हो जाएगा बुर्बो राजवंश एनसीआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट लाइन का ही है अब आता है गैस्ट्री रिसेप्टर इलेवेंथ क्लास एनसीआरटी याद कीजिएगा वहाँ पे जो है एक पर आ रहे थे गंध और दूसरा था स्वाद तो ये गैस्ट्री रिसेप्टर का जो काम किसके लिए होता था ये होता है स्वाद के लिए होता है चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक जो है जोरा सही है देखेंगे यहाँ सोडियम का क्या होता है नाइट्रियम होता है यही एक सही है सोडियम का ये हो जाएगा अगला प्रश्न है सेंटियागो की राजधानी है सेंटियागो किसकी राजधानी है चिली की राजधानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सॉरी क्या डी चलिए कोई नहीं अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एल नीलो का प्रभाव नहीं है एल नीलो का प्रभाव इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी नहीं है पेरू तट वाला चलिए चौथी में पूछा गया यूनेस्को का काम क्या होता है तो यूनेस्को क्या होता है हेरिटेज होता है मतलब यूनेस्को यानी शिक्षा विज्ञान संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापना करने का यह काम क्या होता है यूनिसेफ नहीं है यहाँ पे क्या है यूनि यूनेस्को पूछा गया ठीक है चलिए अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता यानी मिनिमम जो है लिटरेसी रेट जो है पूछा गया था वो कौन है पूर्णिया का है अगला प्रश्न है दूरी समय ग्राफ का ढलान ठीक है इस प्रकार के जो है पांच प्रश्न करवाया गया था जब गति चैप्टर हो रहा था उस समय तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाल दूरी समय ग्राफ था, था, था वो सारे जो है कराए गए थे फाइनली ये क्वेश्चन वहां से आ गया है डी हो जाएगा काला सुख किस राजवंश से संबंधित था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिशु नागवंश से तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे परत रंग की परत बनाती है जो है क्या होता है वो क्षारिय कॉपर कार्बोनेट होता है अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे राष्ट्रपति जो पद के लिए चुनाव होता है उसमें जमानत राशि होती है कितना पंद्रह हजार की कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है ठीक है इंग्लिश में है लिखा हुआ था अब देखिए प्रथम इलेक्ट्रिक कार जो है वो जो है रीवा जो है लॉन्च हुआ था ये रीवा जो था किसने महिंद्रा ग्रुप्स ने जो है स्टार्ट किया था अब यहाँ दिक्कत क्या है यह एम तो दिया हुआ महिंद्रा ग्रुप अब महिंद्रा ग्रुप के अलावा एम जो है एक और जो है इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं इसका एवरीविएशन जो देखिएगा ना तो एम के रूप में जो है आएगा मॉरिस गैरेज का भी जाता है अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे मॉरिस गैरेज लिया है या महिंद्रा ग्रुप लिया है महिंद्रा ग्रुप लिया, लिया होगा तो इसका आंसर जो है बी इसका सही हो जाएगा अब आयोग ही जाने क्या लेना है ठीक है लेकिन यहाँ महिंद्रा ग्रुप होगा एम तो आराम से उसका सही उत्तर हो जाएगा बी

आ ही गए चलो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा अगला प्रश्न है कि रुधिर कणिका जो रक्त में थक्का निर्माण में सहायक होता है ये हो जाएगा प्लेटलेट्स ना जाने कितना बार आप लोग जीडी में पढ़े होंगे अगला प्रश्न है जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह संवैधानिक संशोधन का विधेयक जब भी जाता है तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है कंपेल होता है वो जो है वापस नहीं कर सकता इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा अब आते हैं 46 नंबर प्रश्न में 46 में पूछा गया है भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र की विनियमों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है ये हो जाएगा विमान मसौदा अधिनियम ड्राफ्ट जो है अधिनियम हो जाएगा 2023 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा अब आते हैं 47 नंबर में गति की थर, थर्मोडाइनेमिक्स का जो है सेकेंड लॉ का जो है तात्पर्य क्या है याद कीजिए वॉल्यूम वन वॉल्यूम वन में पूछा गया था थर्मोडायनेमिक्स का जो जितने भी रूल्स थे उन सबको एक्सप्लेन किया गया था और वहाँ पे बताया गया था जो सेकेंड लॉ था वहाँ पे क्या था यहाँ उष्मा का ह्रास जो है होता है 100 जो यूटिलाइज नहीं होता है इसका सही उत्तर की दक्षाजी मेकेनिक सैतालीस का बी हो जाएगा निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी यानी यहां पे क्या पूछा गया है इनक्रीज और डिक्रीज पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन संबंधित वस्तु नहीं यानी उस वस्तु में कीमत में परिवर्तन होना चाहिए अगर आपको रेफरेंस लेना है तो रेफरेंस आप चले जाइएगा एन के साइट पे जाइएगा और वहाँ पर निकालिएगा क्लास इलेवेंथ का इकोनॉमिक ठीक है इकोनॉमिक में चैप्टर नंबर फाइव निकालिएगा और पेज नंबर यहाँ पे होगा सेवेंटी वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंक्रीज और डिक्रीज या चेंज इन द प्रोडक्शन ठीक है यार डिमांड जो होता है ना डिमांड में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा अब आते हैं उनचास नंबर में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद सेवेंटी एट क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल ये दर्द क्यों कम नहीं होता है जितना भूलो उतना ही सामने आता है चलो कोई नहीं यहां पे 2023 का जो फाइनल हुआ था उसमें जो है क्या था जग जाहिर है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। चलो भाई। अब अगला प्रश्न है छह सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के विपरीत फलकों को काले लाल हरे रंग से रंगा गया है छह सेंटीमीटर का है ठीक सपोज कीजिए एक दो तीन चार अरे मम्मी पांच अब इसको जो है एक एक वाला जो है काटा गया है ठीक है एक दो तीन चार पांच एक छ चलो भाई अब इसमें पूछा गया है कि इसके विपरीत फलक को जो है रंग दिया जाता है छह फलक है तो छह फलकों में से जो है आमने सामने वाले फलक को जो है सेम रंग से रंगा गया है तो यहाँ पूछा गया है केवल फलक रंगीन है जो कि वह लाल है उसकी संख्या कितना होगा ध्यान दीजिएगा एक ही फलक वाले रंग होने की संख्या जो है अगर आप देखेंगे क्यूब में तो ये जो 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 बीच वाला वाला होगा न, जो होगा ना यही हिस्सा वो सिर्फ एक फलक वाला रंगा हुआ होगा ठीक है ये वाला हिस्सा अब यहाँ पे देखिएगा सिर्फ ऊपर वाला नीचे वाला में तो कोई रंग ही नहीं होगा तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो सोलह को ऊपर होगा और सोलह गो नीचे होगा यानी कि बत्तीस को टोटल ऐसे फलक होगा जो कि एक ही रंग का रंगा होगा चाहे वो लाल हो नीला हो हरा हो पीला हो अगर ये विपरीत फलक को रंगेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए का उनका अब आते हैं बावन नंबर पे बावन नंबर में पूछा गया है पार्स पार्स व पास ठीक है पास युग पास मतलब बंधन ठीक है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बगल और बंधन नागपास किस शहर में, की की। तो जोहन, में है ही नहीं तो यहाँ साउथ अफ्रीका एक और प्लेस दिया है डरबन अब देखना होगा आयोग क्या लेता है आंसर ऐसे तो आंसर की तो ये तो देने वाला है नहीं ठीक है तो बस मान के चलिए राम भरोसे अब आते हैं पॉलिस साइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकतम होती है ये जो एक जो रोग है इसमें क्या होता है ना आरबीसी की मात्रा जो बढ़ जाती है की संख्या जो इसमें बढ़ जाती है प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है छप्पन का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवी ने इसे लॉन्च किया है गया है यहाँ पूछा है कैंसो एशिया प्रशांत सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में कहाँ आयोजित किया गया था अब गया से कौन से? के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तो क्षेत्र में आता है लेकिन जो परामर्श वाला जो होता है ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में ये जो है पावर जो है उनके पास है तो इसका सही उत्तर जाएगा एक दो तीन अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि यहाँ सूची वन सूची टू से अनुच्छेद को मिलाना है समान नागरिक संहिता जो डायरेक्ट आ रही है अनुच्छेद चौवालीस ऑप्शन नंबर यानी कि दो का जो है चार देखे किसमें दो का चार सिर्फ एक ही में था इसका डायरेक्ट सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न है साठ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनीय विभाजन का भाग नहीं है यहाँ देखेंगे डायरेक्ट ये भी एनसीआर का क्वेश्चन था ये तीनों जो है पाया जाता है ये जो चौथा जो है ना पश्चिमी और पूर्वी घाट ये वाला नहीं पाया जाता है ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इकसठ में जो है प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो ये नियासिन की कमी से होता है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन है बंगाल की खाड़ी के सहारे जो तटीय भाग है वो कहलाता है कोरोमंडल तट पालर पानी क्या है ये भी जो है एनसीईआरटी से सही था डायरेक्ट जो था यहाँ पे वर्षा पानी क्या होता है ना पालर पानी क्या होता है राजस्थान में जब बड़े बड़े टैंकरों में वहाँ के लोग जब पन, पानी को इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में वर्षा पानी को जो है पार्लर पानी बोला जाता है सिक्सटी में पूछा गया है इसका प्रसार क्या होगा ये जो है क्वेश्चन जो है बाइनोमियल से पूछा गया था ठीक है जब इसे डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे एक फॉर्मूला आता है उससे जो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा चौसठ का आइए पैंसठ में देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत <coughs> भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है निर्वाचन आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 330 के तहत नहीं 330 नहीं 324 के तहत किया गया है ठीक है 324 के तहत यहाँ पे किया गया है आगे आते हैं भारत में सम... स्थानीय शासन विषय स्थानीय स्वशासन जो है शासन जो है, है राज्य सूची का विषय है व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है वो कौन है चित्रंजन दास अब देखिए फिर से यहाँ पे एक इंग्लिश घुसाया हुआ था डायरेक्ट नरेशन मेरे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट दिया हुआ है डायरेक्ट लाना है देखिए ही आस्ट मी इफ अब यहाँ स्टार्ट में देखिए पास्ट टेंस में है तो सेज सेज ये प्रेजेंट वाले को हटा दीजिए अब कहता है इफ आई हैड सीन हिम एवरी हेयर एनी वेयर पे हैड है, had, है ना हैड सीन अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है प्रेजेंट टेंस वाला को हटा दीजिए जो

चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है उनतीस अगस्त को मनाया जाता है अगला प्रश्न है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है अब देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष एक यह भी प्रश्न पूछता बनता है देखिए लोकसभा का जो प्रोटीन जो स्पीकर होता है प्रोटीन स्पीकर यानी जब अस्थाई स्पीकर नहीं होता उसके ठीक पहले जो जो स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है इसका क्या होता है जो मेजोरिटी वाले जो पार्टी होती है वो लोग अपने में से चुनते हैं इसको अगला प्रश्न है कर्पूरी देवी एक ख्यात नाम कलाकार

आ रहा है कोई ठीक है यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया यानी किसी एक बिंदु को मान ली कि यह बिंदु है इस बिंदु पर क्या होगा ये जैसे होगा तो इसका इधर से होगा फिर इसका वेग इधर होगा फिर इसका वेग हो इधर होगा इधर होगा इधर होगा इधर होगा कहने का मतलब यहाँ पे एक लाइन खींचिएगा तो क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा तो स्पर्श रेखा के जो है अनुदेश में जा रहा है तो जहां भी टेंजेंट वाला ऑप्शन होगा उसको आप देख लीजिए तो यहाँ पर स्पर्शीय रेखा है यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो पूछा गया था अच्छा भाई चलो निम्नलिखित में से कौन रैयत बारी व्यवस्था का प्रतिपादक था तो ये थॉमस मुनरो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनियामक प्राधिकरण कौन होता है ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी नहीं होता है से भी जो है वहां पे प्रतिभूति वाला चला गया ठीक है सिक्योरिटी एक्सचेंज वाला आगे है 78 में रुधिर वाह का जो एकल एंडियम स्तर से निर्मित होता वो है वो का है केसे का है? का सर्वत्र, क्या कहलाता है इसका जो है पूछा गया, सर्वत्र जो है एक कि उपकरण है उसके बारे में पूछा गया था तो ये मोबाइल तो सेतु जो है निर्माण प्रणाली सुविधा जो है ब्रिज का जो है काम करता है मोबाइल जो है ब्रिज का तो सेवेंटी नाइन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, यह जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 81 है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है तो ये क्या हो जाएगा दूध उत्पादन से जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं बेरासी में मनुष्य में स्रव ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है क्या होता है बीस हर्ष से लेकर बीस हजार हर्ज हर्ज तक देखेंगे किलो दिया समतुल्य मूल्य पर खरीदता है यदि वह यदि वह वर्ष के अंत में छ सौ पैंसठ रुपया लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश दर पूछ रहा है देखिए लाभांश कितना हुआ छह सौ पचहत्तर खरीदा कितना था कितने शेयर पच्चीस गो और एक पच्चीस का समतुल मोल चार सौ पचास और इसका क्या है, निकालना है परसेंटेज निकालना है जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले ज्वर रोधी दवा कौन है ठीक है यानी पैरेटिक्स जो है मेडिसिन पूछा गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरासीटाम निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन के कार्रवाई में भाग ले सकता है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी यहां पूछा गया था सुमेलित करना था काली इसका सही उत्तर जब आप निकालेंगे बनाएंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है यह फरक्का है सामान्य दृष्टि के लिए व्यस्क नेत्र की न्यूनतम दूरी कितना होता है वो होता है पच्चीस

इक्यानवे पूछा गया दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश अगला है पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसे पहचानिए और सही विकल्प चुनिए ऑप्शन दिए गए थे करंज महुआ जटरोपा और अरंडी ठीक है ज्यादातर लोग करंज और जटरोपा मार के निकल गए होंगे यहाँ पे क्या है महुआ और अरंडी इससे भी जो है आयल का एक्सट्रैक्शन होता है तो इनका भी उपयोग जो है बायोडीजल में किया जाता है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी चारों खून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर अगला है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं है पूर्ण प्रति यानी कंप्लीट कंपटीशन कंप्लीट कंपटीशन मतलब क्या यानी कि कोई भी वस्तु कोई बना सकता है किसी एक वक्त यानी वस्तु बनाने पर किसी एक का एकाधिकार नहीं होना चाहिए तो इसमें देखेंगे बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हो ये तो जरूरी है ही सभी फॉर्म जो समरूप वस्तु बनाती हूँ ठीक है ये भी सही है प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला हो ही. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी अब आते हैं पंचानवे नंबर में एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पना चौला

ठीक है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैमर जिला ठीक है अब आगे आते हैं अगला पूछा है यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है ये खाली टैंक ए जो है ये लेता है छह घंटा और बी लेता है आठ घंटा भरने में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है ठीक है तो पहले इसका निकाल लीजिए छ चुके चौबीस 24, चलो, चो, 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 चो. अब कहता है दोनों को दो दो घंटे के लिए खोल दिया जाता है यानी सात यानी दो घंटे के लिए खोलेगा तो कितना चौदह कर दिया अब बचेगा कितना तो चौबीस माइनस चौदह बटा बराबर दस अभी दस काम को कौन करता है बी जो है करता है और उसी को पूछा गया है करने में कितना समय लगता है तो दस बटा तीन यानी तीन पूर्णांक एक बटा तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीन एक बटा तीन घंटा अब आते हैं निन्यानवे में दवाओं दवाओ के जो है आयात है या नए दवाओं की मंजूरी या क्लिनिक परीक्षणों पर जो है विनामायक जो है नियंत्रण रखना किसका प्रमुख कार्य है यानी इसके दवाएं जो भी बनती है उसके आयात निर्यात और जो है क्लिनिकल जो है ट्रायल का जो है यह काम किसका रहता है यह काम जो रहता है कहा गया आ, जो यहाँ पे ड्रग्स वाला होगा वो ड्रग्स वाला यहाँ पे हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा निन्यानवे का सी नंबर ठीक है सी डी सी डी एस यानी सी डी एस सी यानी इसका मतलब क्या होता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा अब आते हैं सौ पे निम्नलिखित निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है ठीक है यानी पब्लिक सेक्टर यहाँ पे पूछा गया है पब्लिक सेक्टर में कौन हो जाएगा रेलवे हो जाएगा तो इस प्रकार से टोटल जो है सौ प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पे कर दिया गया है आप लोगों का कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ एक लिंक शेयर किया गया है जो कि सर्वे लिंक है आपका कितना मार्क्स आ रहा है उस लिंक में सही सही डालिए गलत जो है नहीं डालिएगा ताकि एक एग्जेक्ट कटअप जो है ना एक तैयार किया जा सके और जारी किया जा सके ठीक है कटअप कुछ नहीं है आप एग्जाम दिए है सब, मतलब वो सही है मतलब आप कंफर्म रहिए अगर आपका जो है मार्क्स जो है सेवेंटी प्लस आ रहा है तो कोई सेवेंटी प्लस तो काफी ज्यादा हो जाएगा इस बार था कटअप थोड़ा सा और नीचे भी जा सके देखेंगे अभी आप सर्वे uh, कीजिए सर्वे में जितना मार्क्स आते हैं उसके अनुसार से जो है कटअप जो है जारी किया जाएगा ठीक है लेकिन कट ऑफ कट मथी के लिए तो अच्छा है बस एक सर्वे के तौर पे हम लोग कर लेंगे ठीक है तो मिलते हैं पहला पाला शिफ्ट का भी बाकी है ना पहला शिफ्ट का जो बहुत जल्दी ही जो उसका भी आंसर की जारी कर दिया जाएगा थैंक यू